हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एलोमेलाजोल टेबलेट IP जो 400 mg है उसके बारे में, ये किस रोग में आपको प्रोवाइड की जाती है और इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट होती हैं और कहाँ आप इसे निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप इसे आपके नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्रों से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। अब हम जानते हैं एलोमेलाजोल की यूजेस के बारे में, इसका क्या यूज़ किया जाता है। हेलो दोस्तों, इसका नॉर्मली यूज़ जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसमें किया जाता है। ये पेट के कीड़े अथवा पेट के प्रयोग में ली जाती है। यदि आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो इस टेबलेट का उपयोग आप कर सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार। तो यदि आप 20+ के हैं तो इस टेबलेट का उपयोग आप रात में सोते टाइम एक करें। ये 1 हफ्ते बाद रिपीट होने वाली टेबलेट है। जैसे कि आपने आज एक टेबलेट ले ली तो आप अपने 7 दिनों बाद इस टेबलेट का उपयोग पुनः कर सकते हैं। पर डे ये टेबलेट नहीं दी जा सकती है। ये टेबलेट चबाकर खाने वाली टेबलेट होती है जिससे इसका रिजल्ट अच्छा आता है। यदि ये तो हो गई वैक्स लोगों के बारे में, यदि आप इसे बच्चों में देना चाहते हैं, ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादा होती है जो पेट में उनके कीड़े पड़ जाते हैं। ये बच्चों में ये उनके वजन के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। यदि 20 किलो का बच्चा है तो आप इसे आधी टेबलेट दे सकते हैं और वो उसमें 1 हफ्ते बाद ही रिपीट की जाती है। बच्चों के लिए इसे विशेष रूप से ध्यान में रखकर दी जाने वाली, डॉक्टर की सलाह अनुसार दी जाने वाली टेबलेट होती है। और व्यस्त लोगों में आप इसे, यदि आपकी समस्या गंभीर है तो आप इसे 3 दिन बाद भी इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। और बच्चों में तो ये टेबलेट अब डॉक्टर के हिसाब से दी जाती है। यदि बच्चों में आप देना चाहें तो आप उसे उम्र के हिसाब से और बहन के हिसाब से, यदि 5 साल का बच्चा है तो आप इस टेबलेट का एक टेबलेट रात में सोते टाइम दें, बस सिर्फ एक बार ही। यदि उससे फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे एक बार अपने डॉक्टर के जरूर दिखा लें, धन्यवाद। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।